नीमच के प्रसिद्ध हरिका खान बालाजी मंदिर चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। किसी को लोन चुकाना था तो किसी को शादी करनी थी, इसलिए षड्यंत्र रचकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक चोर ऐसा भी निकला जो शादी से पहले सलाखों के पीछे पहुंच गया। किसी को लोन चुकाना था तो किसी को शादी करनी थी, लेकिन इन कामों को करने के लिए जरूरत थी पैसे की। पैसे आते कहां से, इसलिए नीमच के प्रसिद्ध हड़किया खाल बालाजी मंदिर को निशाना बनाया और फिर योजना बनाकर मंदिर में चोरी की वारदात की। जी हां, हड़किया खाल बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात का यह कारण सामने आया है। जीरन पुलिस ने SP सूरज वर्मा और एडिशनल SP SS गणेश के नेतृत्व में इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 45,000 रुपए, 1 राड और पेचकस भी बरामद किया है। जीरन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम को गठित किया गया और मुखबिर की सूचना पर CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश रूप मुरली, पिता दिनेश भांबी, उम्र 28 साल, निवासी नैयावादी, ग्राम कुचड़ो, थाना जीरन, जितेंद्र उर्फ लाला, पिता बालूराम बावरी, उम्र 28 साल, निवासी अरनिया चुंडावत रोड, ग्राम कुचड़ो, थाना जीरन, व कारूलाल, पिता बंसीलाल नायक, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम कुचड़ो, थाना जीरन को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश और जितेंद्र को लोन चुकाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, वहीं कारूलाल को शादी करना थी। ऐसे में तीनों ने योजना बनाई और हड़किया खाल बालाजी मंदिर को निशाना बनाया और टांबी व पेचकस से दान पेटी को तोड़कर रुपए चुरा ले गए। आरोपी कारूलाल की सोमवार को शादी थी और रविवार को उसकी बिंदोरी निकलने वाली थी। वह घोड़ी पे चढ़ता उससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45,000 रुपए नगर, टांबी और पेचकस बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक रामपाल सिंह, वाई के कारपेंटर, प्रधान आरक्षक प्रकाश सिन्हा, प्रणव तिवारी, प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंधे, गोपाल पाटीदार, राम पाटीदार, विवेक धनगर, लोकेंद्र आर्य, श्रीपाल सिंह, विक्रम धनगर, लखन प्रताप सिंह और सैनिक बलवंत सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।